कत्लेआम पर भी इनको शर्म महसूस नहीं होती है। और आज लोग इस देश के अंदर बात करते हैं सांप्रदायिक सौहार्द की, इनका पूरा चेहरा सांप्रदायिक हिंसा से रंगा हुआ है, सांप्रदायिक एजेंडे से रंगा हुआ है। और इसीलिए बंधु महोदय, इस देश के अंदर असम में क्या हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठिए इन लोगों के अपने हो गए, और इस देश में लाखों वर्षों से रहने वाला समुदाय पराया हो गया। इस देश के अंदर महोदय असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण कोकराझाड़ अंडर रूल 376 सर, द ऑनरेबल मेंबर व्हाइल गिविंग statement in his speech he mentioned about communal rights. I request you that 2011 he has given a figure, those are wrong figures. No, he has completely forgotten 10 to 2013. No. My question was there, sir. You cannot give wrong figures. Gujarat was the highest number for the Madhya Pradesh. I have my question over here, answer. I request you to check the record. Please, sir. Please. See, the member is speaking and giving some figures. You are disputing that figures. No. In your speech, you can say there is no ruling. During your speech, you can counter it. When your term comes, you at that time can dispute it. You continue. You can nothing will counter. उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई कड़वी होती है और कड़वी सच्चाई लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि लोग उस बीमारी से स्वयं त्रस्त हो चुके हैं जो बीमारी इन्होंने पूरे देश को दी है, और इसीलिए ये लोग उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते। कश्मीरी पंडितों के निष्कासन पर और कश्मीर पे हुए अत्याचार पर ये लोग मौन थे। मैं 2011-12 में असम के अंदर देख रहा था, 3 महीनों तक लगातार दंगे होते रहे, इन लोगों ने एक भी बार सदन में चर्चा नहीं कराई, असम जलता रहा। और तो और कांग्रेस के लोग एक बार तो असम के ही मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया कि इन्होंने बोडो लोगों के बारे में कैसे बोल दिया। अरे बोडो वहां का नागरिक है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे, किसके बारे में बोलेंगे। लेकिन ये लोग बांग्लादेशियों घुसपैठियों की वकालत करते हैं, और बांग्लादेशी घुसपैठियों की वकालत करते हुए इन लोगों ने पूरे बांग्लादेश पूरे पूर्वोत्तर के भारत का जो समीकरण बदला है। महोदय, असम के अंदर आज कोकराझाड़, धुबरी, चिरांग और बरबेटा जिले जो हिंसा की सर्वाधिक चपेट में हैं, वे सर्वाधिक चपेट में जो जिले हैं वे इसलिए हैं क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी वहां पर आकर के जमीनों पर कब्जा किए हैं, इन लोगों ने वर्क परमिट के साथ साथ उनके राशन कार्ड बनाए हैं, और बेश्रमी के साथ देश के साथ खिलवाड़ इन्होंने वहां पर उनके माध्यम से करवाया है। महोदय, और तो और हम किसी और बात में नहीं जाना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से और कम्युनिस्टों से भी, कोयम्बटूर और बेंगलुरु धमाकों का जो अभियुक्त है उस दुर्दांत आतंकवादी के लिए विधानसभा का सत्र, स्पेशल सत्र बुलाया जाता है, दोनों दल एक साथ मिलकर के अपील करते हैं कि उसको छुड़वाओ। क्या इनका यही सेकुलर एजेंडा है? क्या यही इस देश में यही सेकुलरिज्म है? और इस देश के अंदर महोदय, इस देश के अंदर क्या हुआ था? हम भूले नहीं, महोदय, 11 अगस्त 2012 को मुंबई के आजाद मैदान में जो कुछ हुआ, महोदय, आजाद मैदान की घटना क्या थी? आजाद मैदान में रोयांग मुस्लिम जो बर्मा में थे उनके बीच में और वहां के बौद्धों के बीच में वहां पर हिंसा हुई, दंगे हुए। ये मामला म्यांमार का है, भारत का नहीं, लेकिन म्यांमार की घटना में दंगा कहां होता है? आजाद मैदान मुंबई में ये लोग मौन रहते हैं, वहां शहीद स्मारक तोड़ा जाता है, पुलिस के जवानों को मारा जाता है, मीडिया कर्मियों को मारा जाता है, उनके साथ साथ पुणे में दंगे हुए,
उनके साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली में, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में तंगे हुए ये लोग मौन रहे। इन लोगों ने कभी उस पर आवाज नहीं लगाई, ये लोग मौन रहे उस घटना पर। ये वही लोग हैं जो आजाद मैदान की घटना पर मौन थे और बाबा रामदेव पे, उन सत्याग्रहियों पर ये लोग रामला मैदान पे लाठी चार्ज करके बेशर्मी के साथ वंदे मातरम का गान करने वाले लोग, करने वाले देशभक्तों पर लाठी चार्ज करते हैं। ये लोग देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा की बात करते हैं। सांप्रदायिक हिंसा किसने फैलाई है? कौन फैला रहा है इस देश के अंदर? कौन इस देश के अंदर सच्चर कमेटी के नाम पर समाज को बांटने का कार्य कर रहा है? इन लोगों ने सांप्रदायिक आधार पर 1947 में देश को बांटा है और आज पुनः देश को बांटने की साजिश के तहत पाकिस्तान के एजेंडे पे ये लोग कार्य कर रहे हैं। और इसलिए महोदय, जब उत्तर प्रदेश के अंदर की जो घटनाएं आई हैं, उन घटनाओं पर अगर आप नजर डालेंगे महोदय, जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं के बारे में अगर मैं आपके सामने रखूं, वो घटनाएं अपने आप में चौंकाने वाली घटनाएं हैं। और वे चौंकाने वाली घटनाएं कितनी खतरनाक हैं। Sir, I'm quoting. No, I will ask. Sir, the speaker is of the opinion that the words have been used in debate which are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified. He used the word that we already raised the issues of communal violence. We are not against anybody. We want a secularism to be maintained in this country. Therefore, we made a discussion. But honorable member, while discussing, he used the name of Pakistan. He abused us for naming the Pakistan. This is unparliamentary, sir. This is unparliamentary, sir. If any objections is in regard, that will go through and we'll explain it. Please continue. उपाध्यक्ष महोदय, सांप्रदायिक एजेंडा इन लोगों का है, हमारा नहीं। हम लोगों ने पूरे देश दौरान सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा चल रही समय लोकसभा में योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर से सांसद, बीजेपी के सांसद, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, ये बात कहते हुए और कांग्रेस पर निशान लगाते हुए कि जब असम में हिंसा हो रही थी बांग्लादेशी घुसपैठियों और वहां के बोडो लोगों के बीच में, तब किसी तरह की चर्चा नहीं की थी कांग्रेस ने। कांग्रेस के कर्मों का फल है सांप्रदायिक हिंसा, योगी आदित्यनाथ इस चर्चा में बोलते हुए।